नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत असाटी समाज के सहयोग से लगाया गया शिविर, ऑपरेशन के लिए 100 बच्चे चिन्हित किए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क जाँच, परीक्षण एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन जिला स्वास्थ्य समिति एवं आष्टी वैश्य विकास समिति बालाघाट द्वारा आज 20 अगस्त 2021 को गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन बालाघाट में आयोजित किया गया। इस शिविर में 245 बच्चों को निःशुल्क जांच कर ऑपरेशन के लिए 100 बच्चों को चिन्हित किया गया और साथ ही 10 बच्चों को मुंबई, जबलपुर, नागपुर के हॉस्पिटल में उपचार के लिए चिन्हित कर भेजा गया। शिविर में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान विधायक गौरी शंकर बिसेन, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जिला कलेक्टर दीपक आर्या, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर AK जैन, असाठी समाज के अध्यक्ष श्री कुमार, असाठी समाज सेवी आदि सभी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान विधायक गौरी शंकर बिसेन द्वारा शिविर में आए वे लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में अनेक बीमारियों को समायोजित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में पीड़ित बच्चों के परिवार को योजना का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के घर जाकर पीड़ित बच्चों के परिजन को प्रेरित किया गया। इसके लिए स्वास्थ्य अमले की ऐसी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। विधायक श्री बिसेन ने कहा कि सरकार तो अपना कार्य करती है, लेकिन परिणाम मूलक बनने में सामाजिक व आम नागरिकों का अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि जनता के कल्याण के लिए जीवन का स्वार्थ छुपा है और इसी से हमारा कल्याण होगा। ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर समर्पण भाव से कार्य करें। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि सरकार की नीति के साथ कार्य करती है और योजना के लाभ के लिए सामाजिक नागरिकों को आगे बढ़कर ऐसे बच्चों को जीवन देने के लिए सहयोग करना आवश्यक है। इस आयोजन में स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण अमले को धन्यवाद देता हूं। आज के समय में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और स्वस्थ रहने की चिंता करने की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन के लिए हमें जैविक भोजन का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिविर में पहुँचे पीड़ित बच्चों के परिजनों के सहयोग के लिए भी हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इस शिविर में 100 बच्चों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। तत्काल 10 बच्चों को चिन्हित कर मुंबई, जबलपुर, नागपुर उपचार के लिए भेजा गया है। R9 भारत के लिए भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट, बालाघाट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।